आपको बता दें कि चूरू में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। चार नकाबपोश बदमाशों ने मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी में वारदात को अंजाम दिया और 25 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चार नकाबपोश बदमाशों ने मैनेजर के सिर पर पिस्टल लगाकर सभी स्टाफ को टॉयलेट में बंद कर दिया था और बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश फाइनेंस कंपनी से 25 किलो सोना और 9 लाख रुपए लेकर 2 मोटरसाइकिल से फरार हो गए और लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल शुरू की है। साथ ही बदमाशों की तलाश में शहर में नाकेबंदी की जा रही। बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रही। वहीं दिन दहाड़े भरे बाजार लूट की वारदात को पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि बदमाश फाइनेंस कंपनी से 25 किलो सोना और 9 लाख रुपए 25 किलो सोना और 9 लाख रुपए लेकर 2 बाइक पर फरार हुए। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी है, तस्वीरें आपके सामने बताया जा रहा है। दिन दहाड़े यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, चूरू में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। चार नकाबपोश बदमाशों ने मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी में वारदात को अंजाम दिया और 25 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चार नकाबपोश बदमाशों ने मैनेजर के सिर पर पिस्टल लगाकर सभी स्टाफ को टॉयलेट में बंद कर दिया था। बेखौफ होकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाश यहां से 25 किलो सोना और 9 लाख रुपए नकदी लेकर 2 मोटरसाइकिल से भागे हैं। 4 बदमाश बताए जा रहे हैं। लूटपाट की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल शुरू की है। लेकिन भरे बाजार में दिन दहाड़े ऐसी लूटपाट की वारदात होने के बाद पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी है ये और शोरूम है जहां से 25 किलो सोना बताया जा रहा है और 9 लाख रुपए के आसपास कैश लेकर ये बदमाश भागे हैं। मनोज प्रजापति इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गया। मनोज, वाकई में बहुत बड़ी वारदात, पुलिस कुछ कह रही है, अभी तक कोई सुराग लग पाया? जी संजय, देखिए पुलिस इतना ही कह रही है कि जल्द ही जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन आपको बता दूं, लगभग 3 बजे की घटना है। चार नकाबपोश बदमाश है वो फाइनेंस कंपनी के अंदर घुसते हैं। जो मैनेजर है उसकी मस्तक पर वो पिस्टल लगाते हैं और 25 किलो सोना और 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सभी कर्मचारियों को एक बाथरूम में बंद कर दिया जाता है और 2 बाइकों पर फरार होकर चले जाते हैं। पुलिस है लगभग आधे से पौन घंटे बाद में मौके पर पहुंचती है और चूरू जिले सहित आसपास के जिलों में नाकाबंदी करवाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि लगातार शुरू में बड़े मामले हो रहे हैं, तो पुलिस की कार जो सवाल है वो पुलिस की जो चली है उस पर सवाल पे कहीं ना कहीं अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी संजय, लेकिन सवाल ये है कि भरे बाजार में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, ये फाइनेंस कंपनी है, गोल्ड लेती है, पैसा देती है, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी? क्या वाकई में जब ये वारदात हो रही थी पुलिस को भनक लगती, तुरंत क्यों नहीं पहुंच पाई? जी संजय, मैं देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी थी, जो नकाबपोश बदमाश थे उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड को ही कब्जे में किया, बाद में जो मैनेजर है उसके माथे पर पिस्टल लगाई और सबको बाथरूम में बंद कर दिया। वहां से निकल जाने के जब नकाबपोश है वो निकल गए, उसके 10 से 15 मिनट बाद में बैंक कर्मचारी है उन्होंने गेट को खोला और पुलिस को सूचना दी। तब तक बदमाश है वो काफी दूर जा चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि जो नकाबपोश बदमाश है उनको पुलिस कितनी देर और कितने दिन में अपने कब्जे में लेती है और कार्रवाई का पूरा खुलासा करती है। जी संजय, कोई इंजर्ड भी पूरे मामले पर और कितनी लूटपाट हुई है? जी सर, लूटपाट की बात करें तो 25 किलो गोल्ड कीमत आप जान सकते हैं और 9 लाख रुपए जो नकदी है उसकी लूट हुई है। कहीं ना कहीं एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर ऐसे भी व्यापारी हैं जो इतनी रकम लेकर इस मुख्य बाजार में बैठते हैं, तो उन व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रही है और पुलिस की जो कार्रवाई है उसके भी सवालिया निशान अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन क्या पुलिस अभी तक कितने 1-2 घंटे के आसपास हो चुका है, अभी तक पुलिस इनको दबोच पाई, कोई सुराग मिला, कोई सीसीटीवी फुटेज, आखिर गए कहां ये, चूंकि करोड़ों की वारदात है ये? जी संजय बिल्कुल, करोड़ों की वारदात है, पुलिस के हाथ अभी तक बिल्कुल कोई भी सुराग लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो SP नारायण टोकस है वो खुद मौके पर है, पूरे चूरू जिले सहित आसपास के जिलों में वो नाकाबंदी करवा दी गई है। लेकिन पुलिस आश्वासन के नाम पर ये कह रही है कि जल्द ही आरोपी उनके कब्जे में होंगे, लेकिन पुलिस के पास अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं है कि अपराधी पकड़े जा सके। जी संजय, जिले के पुलिस कप्तान ने कुछ कहा, जिले में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, पुलिस महज एक झुंझुना पकड़ाती है कि पकड़ लिए जाएंगे। आखिर ये वारदात हुई क्यों, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? और जाहिर सी बात है इसके पहले रेकी किए हैं, उसके बाद पूरे वारदात को अंजाम दिए हैं। जी संजय, मैं आपको बता दूं, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस का कहना है कि
जल्द ही आप आरोपी है उनके कब्जे में होंगे, लेकिन लगातार जो चुरू जिला है उसके अंदर बड़ी बड़ी वारदातें देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो कहीं भी इनको रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। लगातार यहाँ पर क्राइम रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कितने प्रयास है वो सब पुलिस सफल हो पाती है, जो समय समय पर होने वाले अपराध समय समय पर बता रहे हैं। अब जो आज जो ये बड़ी घटना हुई है, करोड़ों की वारदात की यहाँ पर लूट हो गई, लेकिन इनके पास आश्वासन के सिवाय कोई जवाब अभी भी नाटकों के देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी संजय, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो कर्मचारी बताए जा रहे कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था, क्या उनसे बात हो पाई, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कितना वक्त लगा था और इतने बेखौफ ये बदमाश था कि सबको बकायदा अंदर बंद करने के बाद ये जो तिजोरी है बताया जा रहा है उसको भी तोड़ा था? जी संजय, मैं बता दूं कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो पहले भी फाइनेंस कंपनी के अंदर आए होंगे, क्योंकि लूट की वारदात को महज 10 से 15 मिनट में अंजाम दिया गया। अंदर आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को कब्जे में लेते हैं, बाद में जो बैंक मैनेजर है उसके सर पर पिस्टल लगाई जाती है, सबको एक एक करके बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, आगे कुंडा लगा दिया जाता है, सभी तिजोरियों की चाबी ली जाती है और तुरंत पूरा माल और रुपए है वो बैगों में डालकर। बिल्कुल सही आपने कहा मनोज, और बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पहले रेकी की गई है, बाकायदा पड़ताल करने के बाद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक तरफ वो तस्वीर जिस तिजोरी में यह सब कुछ रखा हुआ था उसको तोड़ा गया, एक तरफ वो तस्वीर जहां पर यह बदमाश बाकायदा वारदात को अंजाम देने के बाद भागे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कह रही है कि इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरीके से दिल्ली के पास नोएडा में एक हैरतअंगेज चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर 10 चोरों ने करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दो तस्वीरें चूरू और यूपी के नोएडा की तस्वीरें, राजस्थान के चूरू की तस्वीरें, जहां पर 25 किलो सोना और 9 लाख कैश, अंदाजा लगाइए कितनी कीमत है सबकी। नोएडा में भी इसी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 चोरों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया है, यहां पर बरामदगी हो गई है। हर चोर के पास से पुलिस को 4 किलोग्राम सोना मिला है, यानी कि एक चोर के पास 1.75 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का सोना बरामद किया गया। कुल मिलाकर 40 किलो सोने की चोरी हुई थी। इसके अलावा हर चोर के पास से 55 लाख रुपए से ज्यादा का कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, देश के दो हिस्सों से, चूरू जो राजस्थान का हिस्सा और नोएडा जो कि यूपी का हिस्सा। एक तरफ 25 किलो सोने की डकैती एक तरह से चोरी, और नोएडा में भी लगभग 40 किलो सोना बरामद किया गया है कुछ चोरों के पास से। ये बड़ी खबर आज की। दो